ये देखें जी हमारे गांव का खूबसूरत मंजर, माशाल्लाह जी यहाँ से देखें जी सूरज निकल आया है, माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी ये वाला। और ये पराठे के लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त गोल्डन पराठा बना है जी, माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये सुबह सुबह का वक्त है जी, तकरीबन 5:10 हुए हैं। तो ये देखें जी अभी गांव का माहौल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो आपके साथ जी मौसम भी शेयर करते हैं और अभी बनाते हैं जी नाश्ता सुबह का। तो सुबह की जी आज रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे नाश्ते वाली, और स्पेशल जी हम बनाएंगे पराठे। तो कौन से पराठे बनाएंगे जी ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जी गांव का खूबसूरत माहौल दिखा देते हैं जी आपको। बहुत ही ये देखिए जी प्यारा प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी, ये देखिए। और शाम से जी बादल बने हुए थे, अभी देखिए जी यहाँ पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल हैं, यहाँ से निकलेगा जी सूरज। और गांव की सुबह देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी होती है जी इस वक्त। और ये है जी हमारे गांव का डेरा, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो दूध लेने आ चुके हैं जी, अभी अभी आते हैं। और सुबह के वक्त जी चाय वगैरह बनानी होती है, तो अंदर चलते हैं जी और आपको चल के दिखाते हैं कि बाजियाँ क्या कर रही हैं और क्या बनाना है। और ये देखें जी बाजी उठी हुई है, एक बाजी जो है वो कल की जी वो थकी हुई है क्योंकि कल लहसुन लाई है, तो अच्छा लगता है फिर तबीयत ख़राब हो गई है। बाजी को भी थकावट हो गई है ना, ठीक हो गई है? कल बहुत गर्मी थी जी, और गर्मी कल बड़ी ज्यादा सी, दुआ मांगी सी कि ज्यादा बारिश ले आ, बारिश आ गई थी, बारिश आ गई सी, ठंड भी ज़रा पड़ गई। अच्छा, तो इस वजह से जी कल फिर नॉर्मली हमने खाना बनाया था, तो बाजी कहती थी सुबह पराठे बनाएंगे स्पेशल, तो बाजी ने वो दाल उबाल के रखी हुई है, हाँ जी आज दाल वाले पराठे बने। चलो फिर मैं जी चल के तैयारी शुरू करती हूँ, फिर आप आ जाए, ठीक है? और ये है जी दाल, इसको जी रात को ही बाजी ने उबाल के रख दिया था, तो इसको करते हैं जी मैश, उसमें डालते हैं मसाले और फिर बनाते हैं पराठे। तो ये है जी हमारी दाल 1 पाव, तो इसको पहले जी दोरी में करेंगे बारीक। ये देखें जी ये दाल जो है गली हुई है, उबाल के रखी हुई है जी, ये देखें ये निकाल तो लेते हैं जल्दी जल्दी बारीक। तो मैं दाल को जी हमें घड़ी में बारीक कर ली है, तो अब इसमें जी डालेंगे मसाले, और मसाले डालेंगे जी थोड़े से स्पाइसी, ताकि हमारे पराठे जो है वो ज़रा स्पाइसी बने जी। तो गांव में जी हमारे अक्सर ये दाल वाले पराठे पसंद भी कर जाते हैं, हम बनाते भी हैं, लेकिन आज हम आपसे जी पहली दफ़ा जी दाल वाले पराठे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे जी इसमें 1 चम्मच नमक, 1 मिर्च डालेंगे जी मोटी कूटी सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे जी बारीक सुरख मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे जी सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच डालेंगे जी गरम मसाला पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच डालेंगे जी हम पिसी हुई काली मिर्च। और अब डालेंगे जी इसमें 2 अदद सब्ज़ी मिर्चें जिसको जी हमने बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा डालेंगे जी ये धनिया और पुदीना, ये भी डाल लेते हैं जी फ्रेशनेस के लिए। इन सारी चीज़ों को जी अच्छी तरह कर लेते हैं जी मिक्स। और थोड़ा सा जी इसमें पानी डाल लेते हैं क्योंकि ये देखिए जी हमारा मसाला बहुत ड्राई है, खुश्क है जी। तो अभी दाल वाला जी हमारा मसाला तैयार हो गया, तो अब जल्दी जल्दी जी आप चूल्हे की सेटिंग करते हैं क्योंकि स्कूल भी जाना है जी, टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते। ये देखें जी हमारे गांव का खूबसूरत मंजर, माशाल्लाह जी यहाँ से देखें जी सूरज निकल आया है, माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी ये वाला व्यू।
और ये जी बाजी ने फ्रिज में से आटा निकाल लिया, चूल्हा रख दिया जी, और अब बाजी करने लगी है पराठों की तैयारी। और ये देखो जी ट्रेन जा रही है जी। देखिए जी हमारे गांव का खूबसूरत सूरज माशाल्लाह जी। और ये देखिए जी दरख्तों पे जी बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं, स्कूल के दरख्त हैं जी, बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हैं जी माशाल्लाह। और खूबसूरत व्यू देखे जी माशाल्लाह सुबह का, ऊपर जी देखे बादल है और इधर जी सूरज है और नीचे देखे जी सब्ज़ा माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी सुबह का। और ये है जी घी ले रही है बाजी पराठों के लिए जी, थोड़ा ही घी बहुत है, ये स्पेशल बर्तन है जी जिसमें हम रोटियों के लिए घी निकालते हैं। और ये देखें जी बाजी चूल्हे को ऑन करने लगी हैं और अपनी सेटिंग जी सारी मुकम्मल हो गई है बाजी की चूल्हे की आटे की, तो पराठा बनाना जी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह जी। ये देखें जी बिस्मिल्लाह करके जी आगाज़ कर दिया बाजी ने पराठों का। सबसे पहले जी वही तरीका है जी, सिंपल सादा जिस तरह जी बाजी बनाती हैं, हमारे गाँव में भी जी ऐसे ही बनाते हैं, बेलन का इस्तेमाल जी बहुत कम होता है। तो सबसे पहले जी छोटी सी रोटी बनाएंगे और ये दूसरा पेड़ा लिया जी छोटा सा और दोबारा से इसका जी एक और पेड़ा बनाएंगे। और ये देखें जी दो पेड़े बन गए हैं, तो अब इनकी जी रोटियां बनाएंगे छोटी छोटी। और ये देखें जी एक रोटी के अंदर जी ये रखेंगे जी अब दाल का मिक्सचर माशाल्लाह। देखें जी दाल की लुक बहुत अच्छी आ रही है और इसका जी हम इस तरह गोल गोल बना लेंगे लड्डू टिक्की बनाएंगे जी बना देना। हाँ जी टिक्की बनाएंगे जी बाजी, ये देखें जी जिस तरह कबाब बनाते हैं दाल का, ये सेम उसी तरह जी हम बनाएंगे। और ये दूसरी रोटी जिसके ऊपर फिट कर देंगे माशाल्लाह। देखें जी ज़बरदस्त साइडों से जी अच्छी तरह दबा देंगे ताकि दाल जो है वो बाहर ना आ जाए इस तरह जी, इस तरह जी प्रेस करते जाएंगे। और इस तरह जी हमारे बन गया जी पराठा। तवा जी हमने वही पुराना रखा है क्योंकि न्यू तवे पे जी हमारी रोटी कट्ठी हो जाती है। और इस पे रोटी देखी जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, रोटी कट्ठी नहीं हुई जी और पराठा जी पहला डाल दिया बाजी ने माशाल्लाह। और इसी तरह जी सेम दूसरा भी जी हम पेड़ा बना लेंगे दो रोटियाँ बनाकर। और ये देखें जी दो रोटियां दोबारा से बन गई हैं, इसी तरह जी हम इसके अंदर अब दाल रखेंगे। और ये देखें पराठे की लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त गोल्डन पराठा बना है जी माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह जी। और ये देखें जी पराठा हमारा एक बन गया जी माशाल्लाह, अभी से जी उतार लेते हैं माशाल्लाह जी। और ये है जी बाजी मीना का पराठा, बाजी को जगा लो बाजी, एक पराठा बन गया है तो बाजी बाजी को उठा दो, बाजी को जगा। चलो सही है जी बाजी को उठाते हैं जी, बाजी सोई हुई है वो पहला पराठा खा लेती हैं जी। और ये दूसरा पराठा जी डाल दिया है और मैं जा रही हूँ जी बाजी को अंदर जगाने, हस्बैंड साहब को भी जी फ़ोन किया है वो भी आ जाए। बाजी उठ जाए, थोड़ा पराठा बन गया मुँह हाथ धोवो है तो आ जाओ बाहर, तबीयत सही है हैं?
ਕੱਲ ਜੀ ਲਸਣ ਜੋ ਬਾਜੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਤੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਏ ਹੈਂ, ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਦਹੀ ਘਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਹੁਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਹੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਯੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਹੀ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਾਠਾ, ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਾ ਪਰਾਠਾ, ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਜੀ ਦਹੀ ਬਾਜੀ ਦੀ, ਬਾਜੀ ਕਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੁੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਰਾਠੇ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਾਠਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੇ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰਾਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਬੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਾਜੀ ਕੇ ਪਰਾਠਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਲਡਨ ਪਰਾਠਾ, ਬਸ ਚਾਹ ਜੀ ਦੇਖੇ ਮਾਰੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜੀ ਹੋਰ ਜੇ ਕੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪ ਸੱਪ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸੱਪ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੱਪ ਲਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਚਾਹ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕੋ ਜੀ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਵਾਸ਼, ਯੇ ਚਾਹ ਹੈ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਇਨਕੋ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਯੇ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉਨਕਾ ਪਰਾਠਾ ਦੇਖੇ ਜੀ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੁੱਕ ਦੇਖੇ ਜੀ ਪਰਾਠੇ ਕੀ, ਖਾ ਕਰ ਬਤਾਏ ਜੀ ਕੈਸਾ ਬਣਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ, ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਥ, ਕੈਸਾ ਬਣਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਬਤਾਨਾ, ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕੈਸਾ ਬਣ, ਸਹੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨਮਕ ਮਿਰਚ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਕਾ ਆਖਰੀ ਪਰਾਠਾ ਬਾਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪਰਾਠਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਾਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਗੋਲਡਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਾਠੇ ਬਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਜੀ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਤ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਦੇਖੇ ਜੀ ਕਾਂ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
और लेकिन जी गांव का माहौल जो है वो अभी तक जी ठंडा ठंडा है जी। दोपहर को जी ये थोड़ा गर्म हो जाता है। कैसा लग रहा है इधर? ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? ठंड लग रही है। हाँ ठंड लग रही है। कल बड़ी गर्मी थी। कल तो वाकई गर्मी थी। ये चाय है जी बाजी की, मैंने डाल दी है। और ये बाजी को पकड़ा दे। और ये चाय है जी बाजी मीना की, बाजी ने दही खाई है जी। बाजी कहती है मुझे थोड़ी सी चाय दे। और मेरा अभी दिन नहीं है जी नाश्ता करने को, तो अभी मैंने फिलहाल जी कपड़े अपने प्रेस करने नीचे जाकर, तो मैं जा रही हूँ जी नीचे, आप नाश्ता कर लें। ठीक है ठीक है। तो अभी मेरे हस्बैंड साहब जी नाश्ता करते हैं, अभी मुझे ये छोड़ के आएंगे जी बाइक पे गुजरात। इतनी दूर जाते हैं जी रोज मुझे छोड़ने, गर्मियों में सर्दियों में नहीं जाते। तो अभी ये थी जी हमारी सुबह की रूटीन, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो गर्मियों में जी हमारे गांव का माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है जी। सुबह ठंडी ठंडी हवा होती है, लेकिन दोपहर को भी खूब गर्मी होती है, क्योंकि सामने सूरज होता है जी, जहाँ से सीधा गर्मी पड़ती है। तो हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी हस्बैंड हमारी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको आज हमारे दाल वाले पराठे चाय के साथ जरूर पसंद आएंगे जी। हमारे पराठे चेक नहीं करवाया। अच्छा तो मैं पराठों की जरूर बाजी को चेक करवा दें जी, पराठे की कैसी बन रही है। दाल जो है वो देखें जी पूरे पराठे में जी फैली हुई है। बाजी का पराठा ज़बरदस्त होता है जी। ये देखें जी कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे वो दाल नहीं आएगी फिट। पूरे पराठे में जी दाल सारी मुकम्मल फिट आई हुई है। और बाजी कह रही है बहुत ज़बरदस्त बना है, तो ज़बरदस्त ही हो गया। नमक मिर्च जो है वो मैंने डाल दी थी, और बाकी बाजी ने जी अपना कमाल दिखाया गोल्डन गोल्डन पराठे बनाकर, क्रिस्पी पराठे बनाकर। तो हमारे जितने बहन भाई जी दोस्त हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, जो नहीं भी करते जी सब अल्लाह पाक की इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। तो इजाजत दीजिए, दें इजाजत। तो ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाजत दें। ओके अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त। तो व्यूअर्स मैं नीचे आ गई हूँ जी नीचे वाले पोर्शन में, और यहाँ पे जी मैं कपड़े अपने स्कूल वाले प्रेस कर रही हूँ। तो ये प्रेस करके जी फिर मैंने कंघी भी करनी है, फिर मैंने जी तैयार होने अपनी सारी चीज़ें सेट करनी है, और फिर मैंने असमय साहब भी मुझे छोड़ आई है स्कूल। तो ये देखिए जी मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है स्कूल वाला, और अब मैं स्कूल जा रही हूँ जी तैयार होकर। उसके बाद जी फिर आएंगे तो फिर आपके साथ जी दोपहर की रूटीन शेयर करेंगे शाम तक। असमय साहब ने देखे जी स्कूटर निकाली है, बाइक निकाली है, रस्सी भी ले लूं मैं।